अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कसावा के स्नैक्स। कसावा यानी इस इंग्रेडिएंट्स, इस वेजिटेबल को कहते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं इंडिया में, और ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगी, ऑनियन दो बड़े बारीक कटे हुए, नारियल जिसको हमने ग्राइंड करना है, करी लीव्स और जिसको हमने बारीकली काट लिया है, और धनिया पत्ता इसको भी बारीकली काट लेना है, और तीन मैंने हरी मिर्च ली है जो कसावा के साथ डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे, और हाफ अ टीस्पून जीरा लिया है, और वन कप मैंने चावल का फ्लार लिया है, और स्वाद अनुसार नमक लगेगा। हमने कसावा को बारीकली पीस लिया है हरी मिर्चों के साथ, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी, बहुत बारीक हो जाना चाहिए इसको, और कोकोनट को हमने ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। अब हम सब चीजों को मिक्स कर लेंगे एक बाउल में डाल के। इसको हमें ऐसे मिक्स कर लेना है कम्प्लीटली, और इसकी थिकनेस इतनी रहनी चाहिए। अगर ये थोड़ा थिक रहेगा तो आप इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हैं, और नमक तो स्वाद अनुसार आपको डालना पड़ेगा। हम एक फ्राइंग पैन ले लेंगे, ये थोड़ा हीट होने के लिए रख देंगे। इसमें एक दूस इसमें हम एक दो स्पून ऑयल डाल देंगे, ऑयल डालने के बाद इसको हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेके इसको हम ऐसे डाल के इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे ताकि पतला हो जाए और अच्छे से अंदर तक पक जाए, और हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे ताकि वो अंदर तक पके और जले नहीं। इसको अब हम टर्न कर लेंगे, हल्के से टर्न करना है नहीं तो ये टूट जाएगा। धीरे से टर्न करके ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा एक साइड, तो इसी तरह दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होना है, तभी वो टेस्ट उसका आएगा अच्छे से। ये इतना गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। अभी हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के नारियल की चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे, और ये हमारा कसावा का स्नैक्स रेडी है, रेडी टू सर्व है। प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, या जो भी हमने बनाया है वो आपको पसंद आया हो, प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को। थैंक यू।